नैनीताल जिले में पिछले सप्ताह दो बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें रामगढ़ में 5 लोगों की और बेताल घाट में 3 लोगों की मौत हुई। एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पहाड़ों में हादसे होने की वजह गाड़ियों में ओवरलोडिंग है। 8 सीटर गाड़ियों में 16 से 17 लोग बैठा कर ले जाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब परिवहन विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। आरटीओ संदीप सैनी का कहना है कि पहाड़ों में ओवरलोडिंग और छत पर कैरियर होने की वजह से जिस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ओवरलोडिंग रोकने के लिए टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार चेकिंग कर रही हैं, और अब तक 50 से ज्यादा गाड़ियों के चालान करने के साथ ही 100 गाड़ियों की छत पर लगे कैरियर भी हटवाए गए हैं, ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं की संभावना से बचा जा सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें दुर्घटना रोकने के लिए हमारे प्रवर्तन विंग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुख्य कारण जो ओवरलोडिंग जो पाया गया है, उसमें ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और प्रशासन के साथ मिलकर हमारे एआरटी प्रवर्तन और अन्य दल कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी पिछले कुछ दिनों में 50 से ज़्यादा गाड़ियों के चालान किए गए हैं, और एक जो कैरियर में जो सामान ले जाते हैं लोग, और उसमें कई बार इंटीरियर इलाकों में बैठ भी जाते हैं कैरियर में, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, तो उसमें 100 से ज़्यादा कैरियर हमारी टीम के द्वारा उतारे गए हैं, और उनको निर्देशित किया गया है कि आरटीए के मानक के अनुसार ही कैरियर लगा जाएँ, ओवरलोडिंग ना किए जाए, और लाइसेंस और परमिट के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गई है।